आधे घंटे में हम तीनों बदले हुए होलिये में खड़े थे। मैं और तैमूर शलवार सूट में थे, हमारे सिरों पर अब सिंधी टोपियां थी और कांधे पर अजरकें पड़ी हुई थी। शाजिया ने भी ढीला ढाला शलवार सूट पहन लिया था, इसके सर पर बड़ा सा दुपट्टा था। ये कपड़े हमने एहतियातन अपने बैग में रख लिए थे। मेन रोड पर आकर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। शाजिया और तैमूर वहीं किसी बस के इंतजार में खड़े हो गए। मैं शोल्डर बैग अपने शाने से लटका कर आहिस्ता आहिस्ता वाहन से रवाना हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। मैं खाली जहनी के आलम में आगे बढ़ता रहा। यूं ही चलते हुए घंटा गुजर गया। अब तक मेरे नजदीक से 2-3 बसें और कई गाड़ियां गुजरी थी, मगर मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मेरा इरादा था कि पैदल ही किसी बस्ती तक पहुंचूंगा और एक रात वहां गुजार के सुबह जमाली के गोट की तरफ रवाना हो जाऊंगा। फिर चलते चलते मुझे खुद ही ख्याल आया कि मैं आखिर इतनी परेशानी उठाकर जमाली के गोट क्यों जा रहा हूँ। इसने वाजे तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा था। अगर इसके पास ग्लोरिया के बारे में कोई इतला ना हुई तो मेरी सारी मेहनत अकारे चली जाएगी। हो सकता है जो बात इसकी नजरों में हम हो वो मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत ना हो। खैर देखा जाएगा, मैंने सर झटक कर सोचा। अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी सुनाई दी। मैंने घूम कर पीछे देखा, एक बैल गाड़ी खरामा खरामा चली आ रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। बैलगाड़ी अभी मुझसे खासे फासले पर थी। गाड़ी बार ने लालटेन रोशन करके गाड़ी के नीचे लटका ली। फिर बैलगाड़ी मेरे कुछ और नजदीक आ गई। अब मुझे बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी सुनाई दे रही थी। मैं कच्चा रास्ता छोड़कर दोबारा सड़क पर आ गया ताकि बैल गाड़ी गुजर जाए। हाईवेज पर अमूमन बैल गाड़ियां और गधा गाड़ियां कच्चे रास्तों पर ही चलती हैं। इनके चलने से कुछ रास्तों पर पहियों के निशान बन जाते हैं। बैलगाड़ी मेरे नजदीक आई तो मैंने इसका जायजा लिया। इसे एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा था। इसके पिछले हिस्से में घास फूस और मटर की फलियां भरी हुई थी। इन्हीं के दरमियान छोटा सा एक घड़ा भी रखा था। घड़ा देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे शदीद प्यास लगी है। मैंने आवाज देकर गाड़ी वाहन को रोक लिया। बाबा जरा रुकना। गाड़ी वाहन ने फौरन गाड़ी रोक ली और सवारिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। बाबा अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दो, मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। पानी बहुत है बेटा, बूढ़े ने कहा और पीछे खिसक कर घड़े में से पानी निकालते हुए बोला, इधर आराम से बैठ कर पानी पियो। इसने पीतल के कटोरे में पानी निकाल कर गाड़ी के नीचे बनी हुई लालटेन निकाली और इसकी रोशनी में पानी का जायजा लेता हुआ बोला, पानी हमेशा देख कर पीना चाहिए। तुम खड़े क्यों हो, इधर आकर गाड़ी में बैठ जाओ और आराम से पानी पियो। मैंने इसके हाथ से कटोरा ले लिया और गाड़ी के तख्ते पर टिक कर पानी पीने लगा। मैंने सोचा इस बूढ़े ही से लिफ्ट ले लूं, ये सबसे महफूज तरीका है। मैंने कटोरा इसे वापस करते हुए कहा, तुम किस तरफ जा रहे हो बाबा। मैं गोट आलमपुर जा रहा हूँ बेटा, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं मुसाफिर हूँ बाबा, मैंने कहा, रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया है, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, अब गोट जमाली जा रहा हूँ। अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ दूर तक तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊँ। बैठ जाओ बाबा बैठ जाओ, बूढ़े ने फराग दिली से कहा। मैं गाड़ी पर सवार हो गया। इसमें प्याल और घास का ढेर था। मैं इसी ढेर में जगह बनाकर बैठ गया और प्याल के ढेर से पूछते लगा कर मैंने पाँव फैला दिए। मुझे आराम मिला तो खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो गई। जब इंसान मुतमइन हो तो इसे नींद आ ही जाती है। मैं भी ना जाने कब सो गया। अचानक धचके से मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ घूप अंधेरा था। चल लम्हों तक मुझे याद ना आ सका कि मैं कहाँ हूँ। अचानक बूढ़े गारीबान की आवाज़ सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। वो किसी से कुछ कह रहा था। मैं गरीब आदमी हूँ बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका है। मैंने गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाकर सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में कोई गाड़ी खड़ी थी और दो आदमियों के हियोले बैल गाड़ी के पास दिखाई दे रहे थे। फिर कोई करख्त लहजे में बोला, तुमने रास्ते में दो मर्दों और एक औरत को तो नहीं देखा है। नहीं साईं, बूढ़े ने जवाब जल्दी में दिया, मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला। तुम्हारी गाड़ी में क्या है, वही करख्त आवाज फिर सुनाई दी। मेरी गाड़ी में प्याल और फलियां हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। गाड़ी में और कौन है, इसका सवाल सुनकर मैं चुकन्ना होकर बैठ गया। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर जेब की तरफ बढ़ गया जिसमें रिवॉल्वर था। गाड़ी में मेरा भतीजा है साईं, बूढ़े ने जवाब दिया। यहाँ वक्त जाया करने का फायदा नहीं है, मुझे दूसरी तरफ आवाज सुनाई दी। वो हरामजादे शायद जंगल की तरफ निकल गए। अगर इधर गए होंगे तो अब तक कादिर के आदमियों के हत्थे चढ़ गए होंगे। जंगल का वो इलाका तो कादिर का इलाका है। फिर वो बातें करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इनकी गाड़ी रवाना हो गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर दोबारा आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी हरकत में आ गई और बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियां बजने लगी। मुझे बरसों पहले का वो सफर याद आ गया जो मैंने अम्मी और नाना जी के साथ टांगे में किया था। मैं भी अजीब तकदीर लेकर पैदा हुआ था। वो संभालते ही मुझे जान बचाने के लिए फरार होना पड़ा था। इस वक्त से लेकर आज तक मैं मुसलसल दौड़ रहा था। सुकून का एक मुख्तसर सा दौर इस वक्त मेरी जिंदगी में आया था जब मैं अम्मी के साथ रहता था। फिर अपना सुकून मैंने खुद ही बर्बाद कर डाला। अचानक गाड़ी बान की आवाज पर मैं चौंक उठा। वो मुझे ही आवाजें दे रहा था। मेरा गोट आ गया है बेटा, बूढ़े ने कहा। मैंने आस्तीन खिसका कर रेडिम डायल वाली घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए बूढ़े से कहा, बाबा अगर मुझे एक रात सर छुपाने को ठिकाने
मिल जाए तो। मैं तो खुद तुमसे यही कहने वाला था, इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? मेरे घर चलो, सुबह यहाँ से चले जाना। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर तो ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर तुम तो मेरे मेहमान हो और मेहमान की खिदमत करना तो फर्ज है। ये कहकर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं दिल ही दिल में हंसा। मेहमान में और जबरदस्ती के मेहमान में बहुत फर्क होता है। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अंधेरे में एक गाँव के आसार नजर आए। इक्का दुक्का घरों में चिराग टिमटिमा रहे थे, वरना पूरा गाँव अंधेरे में डूबा हुआ था। गाँव में दाखिल हुए तो कुत्तों ने हमारा इस्तकबाल किया। वो खासे खूनखार कुत्ते थे और अगर मैं गाड़ी से बाहर होता तो मिनटों में मेरी तिक्का बोटी कर डालते। मैंने कुत्तों के गोल कराची में भी देखे थे, मगर वो कुत्ते किसी अजनबी पर हमला करने के बजाय आपस में लड़ते मरते रहते थे। आज तक मेरी समझ में इनकी खसलत नहीं आई। सिंध के कुत्ते इतने खूनखार हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले गोठ में दाखिल होना जरूरी होता है। कुत्ते कुछ दूर तक हमारे पीछे आए, फिर शायद बूढ़े को पहचान कर वापिस चले गए। अंधेरे में इनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। कुत्तों के शोर शराबे से गाँव के दो तीन घरों के दरवाजे खुले थे, फिर बंद हो गए। घरों के मकीन बूढ़े को देखकर मुतमईन हो गए थे। बूढ़े ने एक बोसीदा से घर के सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही घर का दरवाजा खुला और मुझे बूढ़ी सी एक औरत दिखाई दी। इसके हाथ में लालटेन थी। इसने बूढ़े को देखकर कहा, बड़ी देर लगा दी वापसी में। फिर वो मुझे देखकर चौंकी और बोली, ये कौन है? मुसाफिर है, सुबह चला जाएगा, बूढ़े ने थके थके अंदाज में दिया मुसाफिर है सुबह चला जाएगा बूढ़े ने थके थके अंदाज में जवाब दिया। फिर मुझसे बोला, ये मेरी बीवी है, भाग भरी, तुम अंदर जाओ, मैं बैलों को खोल कर अभी आता हूँ। मैंने भाग भरी को सलाम किया और अपना शोल्डर बैग उठाकर घर में दाखिल हो गया। वो मुझे लेकर अंदर पहुंची। इस मकान में एक ही कमरा था, वहाँ आड़ी तिरछी तीन चारपाइयाँ पड़ी थी। एक चारपाई पर अजरक ओढ़े कोई सो रहा था, दूसरी चारपाई यकीनन इस बूढ़ी औरत की थी। इस पर फटी पुरानी रजाई बिछी हुई थी, सिरहाने मैल और तेल से चिकट एक तकिया था। तीसरी चारपाई पर बिस्तर नहीं था। बूढ़ी औरत ने लालटेन एक कुंडे पर लटकाई और जल्दी से टूटा फूटा टीन का एक बक्स खोलकर निस्पतन बेहतर रजाई निकालकर पलंग पर बिछा दी। बैठो बेटा, इसने नहीं फवाज में कहा। मैं आहिस्ता से बैठ गया। मुझे वहां बिठाकर वो औरत कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दरवाजा शायद सहन में खुलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी बान भी खांसता हुआ आ गया। इसके हाथ में छोटी सी एक पोटली थी। मुझे देखकर वो बोला, जूते उतार के आराम से बैठ बेटा। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुमने तो कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ, भाग भरी, इसने बीवी को आवाज दी। मैंने जल्दी से कहा, इस वक्त तकलीफ मत करो बाबा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हालांकि भूख के मारे मेरी हालत गैर हो रही थी। तकलीफ कैसी बेटा, खाना तो मैं भी खाऊंगा। भाग भरी दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो इसके हाथ में बड़ा सा एक थाल था। इसमें आलू पालक का सालन और गर्म गर्म चावल की रोटी थी। रोटी पर मक्खन भी लगा हुआ था। रोटी शायद वो अभी अभी पका कर लाई थी। एलुमिनियम के बड़े से गिलास में दूध भी था। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो, बूढ़े ने कहा और खुद भी शुरू हो गया। मैंने खूब डट कर खाना खाया। इस खाने में अजीब सी लज्जत थी। मैंने इससे पहले और बाद में भी दुनिया के बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में खाने खाए हैं, मगर जो मजा चावल की इस रोटी और आलू पालक के सालन में था वो कहीं ना मिला। खाने से फारिग होकर बूढ़े के इसरार पर मैं लेट गया। मैं रास्ते में खूब सो लिया था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस यूं ही आंखें बंद किए पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भाग भरी ने कहा, कल शाम को अल्लाह बख्श का आदमी फिर आया था। वो तारीख तय करना चाह रहा था, मगर मैंने कह दिया कि अल्लाह बसाया गया हुआ है, इसलिए कल आना। फिर वो कुछ तवक्कफ के बाद बोली, तुम सुनाओ काम बना। नहीं, बूढ़े की आवाज में दुनिया भर की बेबसी थी। गुलाम मोहम्मद आजकल खुद परेशान है, इसके घर में चोरी हो गई है। अरे ये सब पैसे ना देने के बहाने हैं, हमें जब भी जरूरत होती है सबको कुछ ना कुछ परेशानी होती है। लेते वक्त ऐसे आ जाते हैं जैसे हम इनके कर्जे ही हों। इन बातों को छोड़ भाग भरी, अब ये सोच के करना क्या है, हम कर भी क्या सकते हैं। अगर हमने इनकार किया तो अल्लाह बख्श हमारा गोठ में रहना दोबर कर देगा। रईस भी इसके साथ है, हम क्या कर सकते हैं। भाग भरी की आवाज भुर्रा गई, तो 10,000 के लिए अपनी बेटी को इस बूढ़े के हवाले कर दूं? मैं शहजादी को अपने हाथ से मार दूंगा, मगर इस पर यह जुल्म नहीं करूंगा। तो फिर मुझे अभी मार दो बाबा। अचानक किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मैंने की नखियों से देखा, वो लड़की बमुश्किल 16-17 साल की थी। वो बहुत ज़्यादा हसीन तो नहीं थी, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। इसने सस्ते से कपड़े की मुलगजी शलवार कमीज पहन रखी थी। लंबे और घने बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद का खुमार था। तू जाग रही है बेटी, बूढ़े ने मौजू बदलने को कहा। हाँ, मैं बहुत देर
देर से जाग रही हूँ, सुबह होने वाली है अब्बा, अब देर मत कर, कुल्हाड़ी उठाओ। चुप हो जा शहजादी, बूढ़े ने इसे झिड़क दिया। देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लेकर आया हूँ, बूढ़े ने कहा और अपनी लाई हुई पोटली खोलने लगा। मैं अब किसी चीज़ का क्या करूँगी, शहजादी ने भुलाई हुई आवाज़ में कहा और अपना मुँह छुपा कर रोने लगी। मैं एक फैसला करके अचानक उठ बैठा। लड़की रोते रोते हैरत से मुझे देखने लगी, इसके वालदैन भी हैरानी से मुझे देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, शहजादी कहीं नहीं जाएगी। मगर बेटा, बूढ़े ने कहा, मुझ पर अल्लाह बख्श के 10,000 रुपये कर्ज हैं। इसने यूं कहा जैसे 10,000 की बजाय 10,00,000 रुपये अदा करना हो। 10,000 मैं तुम्हें दूंगा, मैंने कहा, मेरे पास रुपये हैं। ये कहकर मैंने अपना बैग उठाया और इसमें से 10,000 रुपये की एक गड्डी निकाल कर बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। नहीं बेटा, बूढ़ा एकदम पीछे हट गया, ये मैं नहीं ले सकता। बेटा भी कहते हो और मुझे गैर भी समझते हो, मैंने कहा, ये मैं शहजादी को दे रहा हूँ। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए नोट ले लिया, फिर चौंक कर बोला, मगर तुम्हें तो डाकुओं ने लूट लिया था। मुझे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैंने बूढ़े को अपने लूटने की कहानी सुनाई थी। मैंने जल्दी से कहा, उन्होंने सिर्फ मेरी जेब से नकद रकम निकाली थी, बैग मैंने सीट के नीचे छुपा दिया था, इसलिए डाकुओं की नज़र इस पर नहीं पड़ी। मैंने चालाकी से अपनी घड़ी भी छुपा ली थी। फिर मैं मौजू बदलने को बोला, अब तुम इत्मीनान से सो जाओ, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब सोने के लिए कौन सा वक़्त बाकी बचा है, बूढ़े ने कहा, उजाला हो चुका है, अभी थोड़ी देर में सूरज चढ़ जाएगा, तुम आराम करो, मुझे तो अभी बहुत काम करना है। मैंने तो रास्ते ही में अपनी नींद पूरी कर ली थी। मैंने जवाब दिया और बिस्तर से उठ गया। मैं ज़रा हाथ मुँह धो लूँ, यहाँ पानी तो होगा, पानी बहुत है, शहजादी ने पहली दफ़ा मुझे मुखातिब किया, चलो मैं तुम्हारा मुँह हाथ धुला दूँ। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मगर हमारे घर में साबुन नहीं है, लाना पड़ेगा अदा अली महर की दुकान से। तो फिर ले आओ, मैंने जेब से पैसे निकाल कर इसे दिए। मकान के पीछे वाले हिस्से में मिट्टी की छोटी छोटी कच्ची दीवारें थी, इन पर एक छप्पर पड़ा हुआ था। इस छप्पर के नीचे अल्लाह बसाया कि बैल और दो भैन से बंधी हुई थी। फिजा में मिट्टी और गोबर की मिली जुली बू चकरा रही थी। छप्पर में एक तरफ प्याल का ढेर था। मैं हाथ मुंह धोकर इसी प्याल के ढेर पर बैठ गया। मैं सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था, मगर कुछ सोचकर अपनी रवानगी 2-3 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। मुझे खदशा था कि अल्लाह बख्श ज्यादा रकम का मुतालबा करेगा। 9 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही कोई करख्त आवाज में चीख कर बोला, अल्लाह बसाया घर में है क्या? आ रहा हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आवाज देने वाला बेधड़क अंदर आ गया। इसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान होगी। वो सफेद बुराक शलवार कमीज में मलबूस था, रंग गंदनी था और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। इसका कद दरमियाना और जिस्म मजबूत था। इसने बिला तमहीद कहा, हाँ भाई अल्लाह बसाया, तो फिर तूने क्या फैसला किया? फैसला क्या करना है अल्लाह बख्श? अल्लाह बसाया ने कहा, मैंने तुमसे उधार लिया था, अब मुझे रकम वापस करना है। अल्लाह बख्श ने चौंक कर इसे देखा, फिर गैर यकीनी से बोला, रकम का बंदोबस्त हो गया? हाँ, अल्लाह बसाया ने जवाब दिया और जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाल ली। बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त कर सका हूँ, इसने नोट अल्लाह बख्श की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्याल के ढेर पर बैठा बहुत गौर से इन्हें देख रहा था। अल्लाह बख्श ने नोट लेते हुए पूछा, कितने रुपये हैं ये? पूरे 10,000 हैं, अल्लाह बसाया जल्दी से बोला, गिन कर देख लो। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अल्लाह बख्श ने कहा, तूने 3 साल पहले मुझे कर्ज लिया था, अब मुझे 10,000 रुपये ही वापस करेगा? अल्लाह बख्श ने नोट एक तरफ फेंक दिए, अब मैं 15,000 लूंगा। 15,000 क्यों लेगा? अल्लाह बसाया ने कहा, क्या अब तूने सूद भी लेना शुरू कर दिया है? अरे बाबा, सूद नहीं मुनाफा बोल रहा हूँ, मुनाफा, अल्लाह बख्श ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे 15,000 दे या फिर ठीक है 15,000 ले लो, मैंने अचानक दखल अंदाजी की और अपने बैग से 5,000 रुपये मजीद निकाल कर इसकी तरफ फेंक दिए। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। अल्लाह बख्श ने हैरत से मुझे देखा, फिर बोला, तू कौन है बाबा? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होना चाहिए, अपने पैसे लो और चलते फिरते नजर आओ। अरे बाबा, आराम से बात कर, वो बिफर गया, तू बात कैसे कर रहा है? मैंने आगे बढ़कर सारे नोट उठा लिए और बोला, मगर ये रकम तुझे ऐसे नहीं मिलेगी। गोट के 2 आदमियों को लेकर आ, इनके सामने चाचा अल्लाह बसाया तुझे पैसे देगा, ताकि वो भी गवाह रहें और तुझे पक्की रसीद भी देना पड़े। कल को अगर तू मुकर गया तो चाचा अल्लाह बसाया क्या करेगा? ये कौन है अल्लाह बसाया? वो बिफर कर बोला, मैं लानत भेजता हूँ इन पैसों पर, तुझे तो ये पैसे 1 महीना पहले वापस करना थे, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। तो फिर यहाँ से चलता फिरता नजर आ, मैंने इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। देख लूंगा तुझे भी, अल्लाह बख्श चीख कर बोला और पैर पटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। अल्लाह बख्श मेरी बात तो सुनो, अल्लाह बसाया इसके पीछे दौड़ा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी इसका फैसला रईस करेगा। अल्लाह बख्श ने इसकी बात काट कर कहा और अपने पीछे जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करता हुआ वहां से चला गया। ये अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह बसाया पुरतश्वीश लहजे में बोला। बाबा तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा, और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं मौजूद हूँ यहाँ, तुम फिक्र मत करो। बेटा तू कौन सा हमेशा यहाँ बैठा रहेगा? अल्लाह बख्श बहुत बदमाश आदमी है, इसकी
उसकी नीयत मैं शुरू ही से जानता हूँ, वो तो बहुत दिन से शहजादी के चक्कर में है। अचानक दरवाजा जोरदार अंदाज में पीटा गया। अल्लाह बसाया ने खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर पूछा, कौन है बाबा? बाहर आओ। अल्लाह बसाया बाहर से कोई दरिश्त अंदाज में बोला, और अपने मेहमान को भी ले आओ। अल्लाह बसाया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। भाग भरी और शहजादी सहमे हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने जेब में हाथ डालकर फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया, इसका मैगजीन चेक किया और मुतमिन होकर इसे दोबारा जेब में रख लिया। बाहर से अल्लाह बसाया की आवाज रही थी, मेहमान से तुम लोगों का क्या वास्ता? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। तुम्हारे मेहमान ने अल्लाह बख्श की बेइज्जती की है, शराफत से इसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम घर में घुसकर खुद ही पकड़ लेंगे। मैं दरवाजा खोलकर अचानक बाहर निकल आया। इन लोगों ने चौंक कर मुझे देखा, वो तादाद में 3 थी। उन्होंने गहरे रंग के ढीले ढाले शलवार सूट पहन रखे थे। इनके कद दरमियाने मगर जिस्म खूब पले हुए थे। 2 के चेहरों पर खूब घनी दाढ़ियां थी, इनके तेवर खतरनाक थे। वो तीनों कहरालून नजरों से मुझे घूर रहे थे। इनके शानों से गोल फल वाली खौफनाक किस्म की कुल्हाड़ियां झूल रही थी। मुझे देखकर उन्होंने वो कुल्हाड़ियां हाथ में पकड़ ली। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? मैंने ठहरे हुए पुरसकून लहजे में कहा। तुम्हें अल्लाह बसाया के मेहमान हो? इनमें से एक जहरीले लहजे में बोला। मेहमान तो नहीं हूँ, अल्लाह बसाया मेरा चाचा है, मैंने जवाब दिया। मगर तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने अल्लाह बख्श की बेइज्जती क्यों की है? वही आदमी फंकार कर बोला। अगर इसकी बेइज्जती हुई है तो इसे खुद आना चाहिए था। इसने तुम्हें क्यों भेजा है? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें रईस की औताद तक चलना होगा, वही आदमी बोला। मैं तुम्हारे रईस को नहीं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। इसे मुझसे भला क्या काम हो सकता है? फिर बुलाने का ये कौन सा तरीका है? अच्छा तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं, अल्लाह बसाया ने नरमी से कहा। इसे तो हम साल लेकर ही जाएंगे, इसी आदमी ने कहा जो अब तक मुझसे बात कर रहा था। तुम क्या मुझे ज़बरदस्ती ले जाओगे? मैंने तंजिया लहजे में कहा। हम तेरे हाथ पाँव बांध कर वहाँ ले जाएंगे। हम लोग इतने मुर्दार नहीं हैं कि बाहर से आया हुआ कोई आदमी हमारी बेइज्जती करके चला जाए। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस झगड़े में पूरा दिन भी ज़ाया हो सकता था। ये भी इम्कान था कि झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो पुलिस की मुदाखलत ज़रूर हो जाए। यही सोच कर मैंने नरम लहजे में कहा, मेरी तुमसे या अल्लाह बख्श से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग चलो, मैं चाचा के साथ अभी रईस की उताक पर पहुँचता हूँ। मेरे नरम लहजे से वो ये समझे कि शायद मैं इनकी और इनकी कुल्हाड़ियों से खौफजदा हो गया हूँ। इनमें से एक ने डपट कर बोला, जब हमने कह दिया कि तुझे साल लेकर जाएंगे तो फिर लेकर जाएंगे, खामोशी से हमारे साथ चल वरना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया, खुद से ज्यादा मुझे अल्लाह बसाया का ख्याल था। इन लोगों की जुबानें खींचता कोई मसला नहीं था, मगर मेरे जाने के बाद वो अल्लाह बसाया की जिंदगी अजीरन कर देते, इसे तो इसी गोट में रहना था। मैंने इनके साथ जाने का फैसला कर लिया और बोला, चलो कहाँ चलना है? ठहर जा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, अल्लाह बसाया ने कहा और लपक कर घर में घुस गया। वो वापिस आया तो इसके छाने से भी चमकदार फल की कुल्हाड़ी लटक रही थी। इसने सर पर बहुत उजलत में अजरक की पगड़ी भी बांध ली थी। रईस की उताक वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। इसका मकान पुख्ता और गोट के दूसरे मकानों से काफी बड़ा था। मकान के बाहर एक अहाता सा था जिसके गिर्द 4 फीट की 4 दीवारी थी। इसका फर्श पुख्ता था और वहां दायरे की शक्ल में मोंडे रखे हुए थे। मोंडों पर इस वक्त भी लोग बैठे हुए थे। दायरे के एक सिरे पर आरामदेह कुर्सी थी जिस पर अधेड़ उम्र का एक खुश लिबास शख्स बैठा था, वही रईस वडेरा था। अचानक मेरी नजर रईस के दाएं हाथ की तरफ बैठे हुए एक शख्स पर पड़ी। मैं इसे देखकर बुरी तरह चौंक उठा। वो चेहरा मुझे बहुत ज्यादा शनासा लग रहा था, मगर ये याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा। चल लम्हे इसके चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार दिखाई दिए, फिर आंखों में शनासाई की चमक सी लहराई और वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कामरान साहब इसके मुंह से बेख्तियार निकला। दूसरे लोग उलझे हुए अंदाज में कभी मुझे और कभी इस शख्स को देख रहे थे। वो झपट कर आगे बढ़ा और वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। मुझे पहचानिए साईं, मैं महरम हूँ साईं नासिर खान कहारी। एकदम मुझे याद आ गया कि मैंने इसे कहाँ देखा था। वो नासिर के साथ हमेशा होता था, फिर इसे मैंने काफ़ी अरसे तक अली मुराद के साथ भी देखा था, मगर कभी इससे बातचीत नहीं हुई थी। मैंने पूछा, महरम तुम तो नासिर के हारी हो, फिर यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? लंबी बात है साईं, इसने कहा, कभी फुर्सत से बताऊँगा। आप सुनाए यहाँ कैसे आए? फिर वो चौंक कर बोला, आप बैठ तो जाएँ। मैंने इसे यहाँ आने की तफसील बता दी। आपने ठीक कहा साई, महरम ने कहा, अगर अल्लाह बख्श 15,000 रुपए मांग रहा है तो ज्यादती कर रहा है। फिर वो रईस की तरफ घूमा, साई आप सुन रहे हो ना? वाह वाह महरम, मैं तो सब सुन रहा हूँ, मगर बाहर के किसी आदमी को ये हक नहीं है कि वो हमारे गोट वालों की इज्जत खराब करे। मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं है कि कामरान साहब साई नासिर का बचपन का दोस्त और बड़े साई के बेटों की तरह है? अगर अभी बड़े साई को पता लग गया तो वो अभी अपने गोट से इधर की तरफ चल देंगे। रईस का चेहरा जर्द पड़ गया। मगर बाबा मैंने इसके साथ कौन सी ज्यादती की है?
अभी अला बख्श को बुलाओ और इन लोगों का फैसला करो बाबा, महरम ने कहा। अला बख्श वही मौजूद था। रईस की आवाज़ पर लपक कर आगे आ गया। अरे बाबा, तूने कितना कर्ज दिया था अल्लाह वसाया को? रईस ने पूछा। 10,000 सही, अला बख्श बोला। महरम और अल्लाह वसाया के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी बहुत मदम लहजे में हुई थी। शायद इसलिए अल्लाह बख्श इतना मुतमिन था कि मसला कैसा ही टेढ़ा हो फैसला मेरे ही हक में होगा। वो जानता था कि रईस मेरे हक में फैसला देगा। अल्लाह वसाया, रईस ने इसे मुखातिब किया, तू इसके पैसे कब दे रहा है? मैं पैसे अभी देने को तैयार हूँ, अल्लाह वसाया ने जल्दी से कहा। मैंने 10,000 रुपए के नोट जेब से निकाल कर अल्लाह वसाया को दे दिए। अल्लाह वसाया ने वो नोट रईस के हवाले करते हुए कहा, साईं आप अपने हाथों से ये पैसे अल्लाह बख्श को लौटा दें, गिन लें पूरे 10,000 हैं। रईस ने वो नोट अल्लाह बख्श की तरफ बढ़ा दिए तो इसने हैरत से रईस को देखा। कुछ कहना चाहा मगर फिर रईस और महरम के तेवर देख कर खामोश हो गया और खामोशी से नोट ले लिए। बाबा, अभी तुम्हें रकम वापस मिल गई, अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही रईस ने महफिल बर्खास्त कर दी। वो सब लोग वापस जाने लगे तो महरम ने मुझे रोक लिया और रईस से बोला, साई कामरान साहब हमारा मेहमान है, इसके रहने का बंदोबस्त करो। नहीं महरम, मैंने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर मैं चौंक कर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? बाबा, साई के क्या हाल हैं? बड़े साई बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ कमज़ोर हो गए हैं। ये ज़मीन थी बड़े साई की, 3 साल पहले रईस ने इन्हें बेच दी थी, ये बड़े साई ने इसे ठेके पर दे रखी है। मैं ज़मीन ही के सिलसिले में यहाँ आया था, मैंने सोचा इसीलिए रईस ने महरम की बात इतनी आसानी से मान ली थी। अभी आप कहाँ जाएंगे? महरम ने पूछा। मैं घोड़ जमाली जाऊँगा, मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। घोड़ जमाली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, घोड़े पर जाएँ तो 1 घंटे का रास्ता है। मैं आपको जीप में वाहन छोड़ दूंगा, मेरे पास जीप है, महरम ने कहा। मगर आप 1-2 दिन ठहर जाते तो अच्छा होता, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।